और बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो गया है कि नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापस हो रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे जबकि आरजेडी के लालटेन इस बार बिहार में जली जरूर लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है लेकिन आपको दिखाते हैं कि पार्टियों का जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो किस पार्टी का प्रदर्शन किस तरह से रहा है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसका रहा यह भी बताएंगे पुअर परफॉर्मेंस किसका है यह भी आपको बताएं तो एक बार आपको दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जो चुनाव हुए हैं किस तरह से यहां पर स्ट्राइक रेट रहा है सबसे पहले बीजेपी क्योंकि भले ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन अहम रोल निभाया है यहां पर देखिए जीत का जो स्ट्राइक रेट है ये आपको दिखाते हैं बीजेपी ने 112 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसमें से चौहत्तर सीटों पे जीत हासिल किए 66 परसेंट स्ट्राइक रेट रहा है जो बेहतरीन रहा है दूसरी बात है कि बीजेपी के वजह से ही

जहां जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी थे वहां पर एलजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है जेडीयू को और उनकी सीटें कम आई है और यही वजह रही है कि लगातार उनके नेताओं से जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि उनको हर सीट पे नुकसान पहुंचाया है एलजीपी के प्रत्याशी ने अब देखिए लालटेन यानी कि आरजेडी आरजेडी ने 144 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था 75 सीटें जीती है लेकिन स्ट्राइक रेट कितना रहा है? 52%, लेकिन सबसे अच्छा जो स्ट्राइक रेट है अभी वो बीजेपी का ही नजर आता है और आरजेडी को जो नुकसान पहुंचाया कुछ सीटों पर बताया जाता है कि एलजेपी ने भी इनको नुकसान पहुंचाया अब कांग्रेस देखिए कांग्रेस ने सत्तर सीटों पर चुनाव लड़ा जीते कितने उन्नीस 27 परसेंट का स्ट्राइक रेट है ये देखिए लेकिन इसके बाद एक और पार्टी है जो सहयोगी रही है सीपीआईएमएल उसका जो स्ट्राइक रेट है इससे बेटर है क्योंकि उन्होंने अगर 30 सीटों पर चुनाव लड़े हैं तो उन्होंने 16 सीटें जीती हैं लेकिन कांग्रेस को 70 सीटों में भी वो सिर्फ और सिर्फ जितने सीटें जीत पाई है उन्नीस तो सोचिए सीपीआईएमएल ने तीस सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने सोलह सीटें जीत ली इन्होंने लड़ा है चुनाव और देखिए और जीत का स्ट्राइक रेट लड़े लेफ्ट का उनतीस जो हम कह रहे थे तीस में बता रहा था उनतीस सीटों पे चुनाव लड़े सोलह सीटें पचपन परसेंट देखिए लगभग पचपन परसेंट यानी कि जो आरजेडी का स्ट्राइक रेट है वो भी लेफ्ट पार्टियों का खासतौर पे जो सीपीआईएमएल है उसका जो स्ट्राइक रेट इतना अच्छा रहा है और यही वजह है कि जो पचहत्तर एक सीटें मिली है आरजेडी को और एक सीटें जो महागठबंधन को मिली है उसमें यह सोलह सीटें आप जोड़ दीजिए तो उनको काफी फायदा नजर आता है तो सबसे पहले आपको ये भी बताते हैं कि जो बिहार में दिलचस्प तस्वीर सामने आई है जिसमें कैसे तेजस्वी के हाथ से सत्ता फिसल गई पहले चरण में जब तेजस्वी की रैली हुई थी उसमें भीड़ काफी उमरी थी और मैदान खचाखच भरा रहता था बड़ी तादाद में लोग आते थे लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में एनडीए के जो वोटर्स ने बाजी पलट दी उसकी वजह भी आपको बताएंगे नतीजों से समझिए कि पहले चरण के इकहत्तर सीटों के नतीजों की बात करते हैं तो उसमें अड़तालीस सीटें महागठबंधन के पास गई है जो इलाका पड़ता है रोहतास का सासाराम का पड़ता है ये जो कैबूर के इलाके हैं इसको हमें समझाते हैं आपको देखिए आरजेडी के पास 48 जो सीटें आई है ये पहले चरण की जो इकहत्तर सीटें थी इकहत्तर सीटें जो थी उसमें से 48 सीटें गई हैं एनडीए को कितने गई हैं एक बार फिर से दिखाते हैं 21 और अन्य को दो गई है तो आप समझिए कि जो इलाका है जो पहले चरण में जो इलाके थे जिसमें गया का इलाका पड़ता है सासाराम का इलाका पड़ता है रोहतास का इलाका पड़ता है औरंगाबाद का इलाका पड़ता है इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा सीटें निकाली आरजेडी ने लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी जो ये सीट है जो अड़तालीस का जो आंकड़ा है आरजेडी के लिए ये नई बात नहीं है क्योंकि दो में जो चुनाव हुए थे तब भी आरजेडी के पास यहां पर करीब 45 से ज्यादा सीटें थी इसके आसपास ही सीटें थी तो यहां पर उन्होंने उसको मेंटेन किया है लेकिन इसके बाद जो चुनाव उसके बाद जो हुए देखिए चौरानवे सीटों में जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ बावन सीटें लेकर आ गई बावन सीटें जहां पर लेके आई ये वो इलाका था जिसमें हम बात करते हैं तिरुत का इलाका जो चंपारण के इलाके पड़ जाते हैं सारण सिवान का इलाका पड़ जाता है गया के बाद के पास के जो इलाके ये पड़ जाते हैं यहां पर इन्होंने बाजी मार दी और यहां पर देखिए शून्य हो गया अन्य कुछ नहीं मिला और स्ट्राइक रेट बावन रहा है यहां पर एनडीए का का अब तीसरे तीसरे चरण चरण में में क्या हुआ में जो सीमांचल इलाका पड़ता है सीमांचल सबसे हैरानी करने वाला इलाका है जिसमें आपका दरभंगा का इलाका पड़ेगा मिथिलांचल का इलाका पड़ेगा पूर्णिया का इलाका पड़ेगा यहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और माना यह जाता है कि यह आरजेडी का गढ़ है क्योंकि यहां पर यादव और मुस्लिम फैक्टर काम करता है लेकिन देखिए कैसे धराशाई हो गया बीस सिर्फ सीटें आती है आरजेडी की यानी कि उसमें जो महागठबंधन है और एनडीए को कितनी तरह सीटें मिलती है तिरपन सीटें यह सबसे चौंकाने वाला आपको कह सकते हैं आंकड़ा है जिसके बारे में शायद किसी ने भी सोचा नहीं था कि सीमांचल के इलाके में दरभंगा के इलाके में मिथिलांचल के इलाके में एनडीए को इतनी सारी सीटें मिल जाएगी क्योंकि यहां पर मुस्लिम फैक्टर बहुत काम करता है और यहीं से जो पांच सीटें आप देख रहे हैं अन्य के पास गई है ये पांच सीटें एमआईएम आई एम असदुद्दीन अवेसी को मिला है जो कि एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है इस चुनाव में कि पांच सीट इनके पास गई हैं। अब कैसे एनडीए के लिए वोट कटवा बन गए थे चिराग पासवान ये आपको हम बताते हैं बिहार में एलजेपी को कुल छह परसेंट वोट मिले हैं देखिए एल को यहां पर बिहार में छह परसेंट वोट मिले हैं आप सोचिए कि चार हजार चार करोड़ दस लाख वोट्स थे उसके अंदर छह परसेंट निकल जाते हैं एक सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा है और इन चुनाव को लड़ने के बाद उसने वोट काटे हैं नौ सीटों पर 20 परसेंट से 31 परसेंट वोट मिले अगर ये ट्रांसफर होते एनडीए के तो आप समझ सकते हैं समीकरण कैसे बदलता 15 सीटों पर 10 परसेंट से 20 परसेंट वोट मिले हैं और 13 सीटों पर 5 परसेंट से 10 परसेंट वोट मिले हैं तो किस तरह से हर एक सीट पर जो महागठबंधन को आप कह सकते हैं उनको भी हराने में कहीं ना कहीं एक एलजेपी का रोल नजर आता है लेकिन छसेंट जो वोट गया है एलजेपी का वो खिलाफ गया है एनडीए के जिसके वजह से कई सारी जो सीटें हैं खासतौर तो पर जेडीयू की सीटें कम हुई है उसमें एक एग्जाम्पल आपको देखते हैं मटियानी एक सीट है वहां से के जो उम्मीदवार है है वो वो जीते हैं। लेकिन वो सीट रही है हमेशा से जेडीयू के पास लेकिन वो निकाल इसलिए ले गए क्योंकि पर वोट कट गए और यही वजह है कि पर एलजेपी जीता एक सीट जो मिली है वो सिर्फ मटियानी की सीट गई है एलजेपी के हिस्से में एलजेपी ने कैसे इंडिया का खेल बिगाड़ दिया ये आपने देखा है अब देखिए कि कैसे ओवीसी की पार्टी ने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की है चौबीस सीट सीमांचल में 24 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर ओवेसी के साथ गए हैं और पांच सीटों पर एमआईएम जीती है और यहां पर सबसे बड़े फैक्टर क्या नजर आया यहां पर पोलराइजेशन हुआ जब आप देखते हैं कि एनडीए को यहां पर जो बढ़त मिली इस पोलराइजेशन की वजह से मिली क्योंकि जहां पर और यहां पर यहां पर जो असदुद्दीन ओवेसी है सीए का मुद्दा उठाया एनआरसी का मुद्दा उठाया जिस मुद्दे को तेजस्वी नहीं उठा रहे थे क्योंकि उनका जो यादव वोटर है वो इन मुद्दों से अपने साथ नहीं रखता उसके साथ नहीं है और यही वजह है कि यादव वोटर्स को साथ रखने के लिए तेजस्वी ने सीए एनआरसी का मुद्दा नहीं उठाया लेकिन ओवेसी ने उठाया पोलराइजेशन हुआ वहां पर पांच सीटें वो लेके निकल गए यानी कि जो आरजेडी का जो वोट बैंक था वहां पर मुस्लिम यादव उसमें सेंधमारी हुई है और फायदा मिला है ओवेसी को और इसका पोलराइजेशन का जो दूसरा फायदा गया है वो गया है सीमांचल के इलाके में बीजेपी को लेकिन ये कह सकते हैं कि इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा यहां पर सिग्निफिकेंट एक मुद्दा सामने आया कि किस तरह से ओवेसी ने पांच सीटें निकाल ली बिहार में जैसे सीमांचल की अमौर सीट पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस चुनाव मैदान में थी यहां कांग्रेस को करीब सत्रह वोट मिला है जबकि जेडीयू को तेईस एक सीट आपको बता रहे हैं अमौर ये जो इलाका देख रहे हैं यहां पर कांग्रेस के सत्रह सीटें जेडीयू को तेईस एमआईएम को कितने परसेंट वोट मिला आपने यह देखा है आरजेडी को 16 परसेंट वोट मिले हैं और जेडीयू को 27 परसेंट एम को उनचास परसेंट देखिए फिगर देखिए कि उनचास परसेंट वोट जाना और यहां पर आरजेडी को 16 परसेंट जेडीयू को उससे ज्यादा मिल रहा है 27 परसेंट तो यह बताता है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हुआ है एमआईएम के पास ये शिफ्टिंग हुई है जेडीयू का 27 परसेंट है 16 परसेंट आप देखिए ये यानी कि जो कहा जा रहा था कि सीमांचल के इलाके में वोट कटवा होंगे वोट काटा नहीं है वोट शेयर लेके उन्होंने सीट यहां पर बनाई है दूसरा आप दिखा रहे हैं आपको आपको दिखा रहे हैं बहादुरगंज की बहादुरगंज में कांग्रेस के 18 परसेंट वोट मिले हैं वीआईपी वीआईपी आपको बता दें कि ये एनडीए का सहयोगी यानी कि जेडीयू बीजेपी के वोट भी इसमें गए होंगे लेकिन एमआईएम को देखिए 50 परसेंट देखिए सीमांचल का जो इलाका है यहां पर अगर आप जितने भी सीटें मिलाएंगे वहां पर करीब करीब सात से सत्तर परसेंट ऐसे इलाके सीटें पड़ती है जहां पर मुस्लिम आबादी है तो उसका पचास परसेंट आप सोचिए कि एक मुश्छ चले जाना अब बाईसी की सीट में आरजेडी को 21 परसेंट उनतीस परसेंट अड़तीस परसेंट यह इंटैक्ट है सेंधमारी कहां हो रही है आप देख सकते हैं कि जो वोट यहां पर है इनके वोट कट के नीचे जा रहे हैं क्योंकि इस इलाके में दबदबा आरजेडी का रहता था मतलब आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन रहता था बयासी के बाद अब आपको दिखाते हैं एक और सीट का जो की हाट जोकी हाट में आरजेडी को तीस परसेंट अट्ठाईस परसेंट चौतीस परसेंट अगर ये कट नहीं होता तो ये सीट कहां जाती है आपको साफ नजर आ रहा है लेकिन ये जो सीटें काटी हैं किस तरह से कटी आप देख रहे हैं कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाने पहुंचाया है एमआईएम ने नुकसान पहुंचाया भी है सीट भी हासिल की है वोट कटवा होकर नहीं रहेगा जिस तरह से एल ने सीटों के सीटों में वोट काटे हैं लेकिन उनको वो नहीं मिला जो चाहिए था वो है सीटें सिर्फ एक सीट मिली है मटियानी की सीट वो भी बेगूसराय इलाके में और बिहार का जनादेश स्पष्ट है कि फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार होगी तो सुनिए नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं ने इसका श्रेय किसे दिया और किसकी तारीफ की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए डी ए गठबंधन बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहती है चौथी बार एनडीए को बिहार में सेवा करने का मौका दिया है मित्रों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने बारह सभाओं को संबोधित किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो वास्तव में बिहारी बनके बन के बिहार के रहने वाले थे लेकिन पूरा मोर्चा जिन्होंने संभाल लिया और भूपेंद्र यादव जी से लेकर हमारी पूरी केंद्रीय टीम और जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी श्री जीतन राम मांझी जी श्री मुकेश सहनी जी उन सभी लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ ये जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में अब डबल इंजन की सरकार को ही जनता ने चुना है ये डबल युवराज को नहीं डबल युवराज को रिजेक्ट कर दिया है जाति हिंसा भ्रष्टाचार और तमाम चीजों से हटकर विकास और वह विकास एन ही विकास दे सकती है जो प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अटूट विश्वास है इसी विश्वास को फिर से दोहराया जनता ने मैन ऑफ द स्कोर जो है जो श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं मैन ऑफ द मैच जो है हमारे नीतीश कुमार जी अभी जुड़ गए हैं सीधे पटना से मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र नीतीश आप सीएम आवास के बाहरी खड़े हैं फिलहाल वहां पर क्या आपको नजर आया कोई हलचल बड़ी है कुछ नेता मुलाकात करने आए या बीजेपी के कुछ नेता पहुंचे क्या उनके घर नहीं देखिए अभी ब, कोई बीजेपी का नेता तो वह नहीं पहुंचा है जेडीयू के नेता भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं जो नीतीश कुमार की कोर टीम का हिस्सा हैं, यहाँ मैं आपको पीछे तस्वीर दिखाता हूँ ये अन्य मार्ग है एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास यहाँ पर नीतीश कुमार थोड़ी देर में अपनी कोर टीम के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा फिलहाल अभी जो अलग अलग क्षेत्रों में जो विधायक हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है उन सबों का इंतजार किया जा रहा है वो सारे विधायक जब यहाँ पहुंचे नीतीश बताइए क्या जेडीयू के जो नेताओं से आपकी बातचीत हुई जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जो श्रेय है जीत का वो जाता है प्रधानमंत्री मोदी को जेडीयू के अंदर क्या मानते हैं देखिए जेडीयू के अंदर इसका श्रेय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी को भी माना जा रहा है लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं कहीं कहीं से दिख रही हैं उसको लेकर भी चर्चाएं हैं अच्छा। लेकिन जेडीयू के नेता साफ तौर पर ये मानते हैं कि चूंकि बीजेपी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था बीजेपी के बड़े नेताओं ने कई बार ये कह दिया था कि यदि कम भी सीटें आएंगी जे की तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे इसलिए इसमें कोई संशय या कोई विवाद जैसी कोई बात अभी तक नहीं दिख रही है और संभवतः ऐसा होगा भी नहीं ये आखिरी चुनाव है नीतीश बिल्कुल क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी 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 मुख्यमंत्री फिलहाल आपको हम बताते कि किस तरह से आगे भी आज जो तैयारियां हो रही है चाहे दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में या फिर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के ऑफिस में किस तरह की तैयारियां क्या होने जा रहा है ये भी आपको ताजा अपडेट देंगे लेकिन ब्रेक के बाद